वेलकम टू माय चैनल टीचर कुकिंग डायरीज। आज आपको बता रही हूँ मैं घर के सामान से सांभर मसाला बनाने की रेसिपी। इसमें जो घर में सामान होता है ना, उससे अपन ना बाजार से महंगा मसाला लाते हैं सांभर, लेकिन उससे अपन घर में बनाएंगे तो घर में एक तो प्योर होगा और कोई मिलावटें नहीं होंगी और सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। बाजार में जो महंगा मिलता है सांभर मसाला, तो इसके लिए मैंने जो सामान लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने लिए हैं 3 चम्मच साबुत धनिया है, ये साबुत धनिया होते हैं साबुत वाले वो धनिया लिए हैं, और 2 चम्मच मैंने लिए हैं चावल, 2 चम्मच चने की दाल, 2 चम्मच मसूर की दाल, 2 चम्मच माश की दाल, और आधे से थोड़ा ज़्यादा चम्मच जो मेथी दाना लिया है, नमक लिया है 1 चम्मच, और आधे से आधे चम्मच लौंगी लिए हैं, और 1 चम्मच लिए है मैंने राई, 1 चम्मच लिए है मैंने हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लिया है 1.5 चम्मच मेरे जीरा साबुत वाला, 1/2 चम्मच है काली मिर्च, और 2 चम्मच है चावल मैंने बता दिया ना, और 8 से 10 है साबुत वाले लाल मिर्च है, और थोड़े से है ये आधी कटोरी होंगे तेल कड़ी पत्ता, और थोड़ी सी ये है हींग। अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम सारे मसाले जो है ना डाल देंगे, धनिया मैंने सारे मसाले जो है ना एक पैन में डाल दिए, और इसको फिर आँच पर हमें इसको रोस्ट करना है, ना जलाना है और ना ज़्यादा कच्चा रखना है, बस इसको ये इस तरह से करना है कि इसकी जो नमी है वो चली जाए और इसमें अच्छे से खुशबू आ जाए। फिर सारे साबुत मसाले जो है ना उसको रोस्ट कर लिए हैं, उसको ठंडा करके हम मिक्सर की जार में डाल के उसको पीस लेंगे। इसे वो मसाले नमक हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च ये भी हम इसमें डाल देंगे और उसको पीस लेंगे। मैंने सारे मसाले पीस लिए हैं, इसको बारीक पाउडर बनाना है। ये देखिए अब इसमें आप कोई भी कांच के जार में या प्लास्टिक के जार में भर के और रख दें, एयर टाइट जार में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको आप फ्रिज में रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चल सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं आप, तो 6 महीने तक इसको आप रख के यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप सांभर बनाएं और उसमें 2 से 3 चम्मच जितना भी आप सांभर बनाए उस हिसाब से डाल लें, और अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।